हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल में। पेनियर भाई बहुत बड़ा अपडेट लेके आया है अपना रिटेलर को ध्यान में रखते हुए। पेनियर भाई ऐप में बहुत बड़ा बदलाव कर चुका है, वन बटन थ्री सर्विस। हाँ दोस्तों, नहीं एक बटन में आप तीन सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। कि कौन सा सर्विस किस तरह से यूज कर सकते हैं दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक पेनियर बाई मोबाइल ऐप को अपडेट नहीं किया है तो पेनियर बाई मोबाइल ऐप को आप अपडेट करा ले। जैसे अपडेट कर लेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे पहले ऑप्शन देखने के लिए मिलता था आधार विड्रॉल, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे आधार विड्रॉल का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन पहले देखने के लिए मिलता था बैलेंस इंक्वायरी का, वो भी आपको ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर देख सकते तो पहले मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिलता था, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। पेनियर बाई डिजिटल की तरफ से बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया। पेनियर बाई में बहुत ऐसी खास है दोस्तों, इसलिए पेनियर बाई एपीएस सिस्टम नंबर वन एपीएस सिस्टम बताया जा रहा है। दुनिया का नंबर वन यानी इंडिया का नंबर वन एपीएस सिस्टम पेनियर बाई है। इस वजह से आप क्या क्या सर्विस में काम कर सकते, बहुत बड़ा सर्विस है दोस्तों। पेनियर बाई ऐप से आप एक्सिस बैंक का भी अकाउंट भी कर सकते और एक्सिस बैंक का कैश डिपॉजिट भी कर सकते। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप एपीएस का जो आधार विड्रॉल का ऑप्शन था दोस्तों वो चेंजेस कर चुका है। अगर आपने अभी तक समझ में नहीं आता है किस तरह से काम कर सकते, इस सर्विस को लाभ किस तरह से ले सकते, एक ही बटन में तीन सर्विस क्या क्या है दोस्तों। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको बैंकिंग एंड सेविंग्स का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। जस्ट आपको यहाँ पे आ जाना है। पहले आपको आधार विड्रॉल का ऑप्शन था, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे आधार विड्रॉल का ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा, आपको एपीएस का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो जस्ट आपको एपीएस का ही ऑप्शन में क्लिक करना है। किसी भी कस्टमर के लिए पैसे निकालना हो या आपको बैलेंस इंक्वायरी करना हो या आपको मिनी स्टेटमेंट निकालना हो, सारा कुछ काम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट टाइम जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दिखाई देता है। सबसे पहले दोस्तों कैश विड्रॉल का ऑप्शन दिया गया है, मिनी स्टेटमेंट एंड बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन दिया गया है, कैश डिपॉजिट भी आप यहां से कर सकते हैं। तो आपको क्या यहां पे देख सकते, योर फेवरेट एपीएस सर्विस नाउ अंडर ऑन रोबोट। तो आपको जस्ट आपको गेट स्टार्ट का ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप गेट स्टार्ट का ऑप्शन में क्लिक करेंगे, उसके बाद विड्रॉल कैश फॉर योर बैंक कस्टमर देयर अकाउंट, जस्ट आपको नेक्स्ट का ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको ओके का ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऊपर में विड्रॉल का ऑप्शन यानी आधार विड्रॉल का ऑप्शन आपको यहीं पे दिया गया है। उसके बाद बैलेंस एंड स्टेटमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आधार का यानी विड्रॉल का ऑप्शन। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन में सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको आधार नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपके पास वर्चुअल आई डी है तो जैसे आप क्लिक करके वर्चुअल आई डी भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। जैसे आधार नंबर पर सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आपको आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। जैसे आपको यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद जैसे आप डाल देते हैं, उसके बाद दोस्तों आप कौन से बैंक का अकाउंट में पैसे निकालना चाहते वो आपको बैंक यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे सारा सब कुछ बैंक नहीं दिखाई देता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको व्यू ऑल का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। जस्ट आपको व्यू ऑल का ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों आप कौन सा अकाउंट में के लिए पैसे निकालना चाहते, आप चाहे तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते, ऐसे सर्च कर सकते। जैसे चलिए हम जैसे सर्च कर लेंगे बी ए एन के बैंक ओ एफ ऑफ आई एन डी आई ए बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया नीचे। जैसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कस्टमर मोबाइल नंबर, यानी जिस कस्टमर के लिए पैसे निकालना चाहते हैं उस कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दीजिए, क्योंकि जब आप पैसे निकालेंगे उसी कस्टमर का मोबाइल पे मैसेज भी चला जाता है। चलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, मेरा ऑटो फिल है इस वजह से यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है। उससे पहले दोस्तों आपको करना है कि आप कितना पैसे निकालना चाहते वो पैसे आप यहाँ पर डाल सकते हैं, 100 से कम आप निकाल नहीं सकते। उसके बाद दोस्तों आप कंटिन्यू का ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू का ऑप्शन में क्लिक करते आप कौन सा बैंक सिलेक्ट किए दोस्तों वो आपको दिखाई देगा। अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो पेंसिल का आइकन में क्लिक करके चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको आधार कंसल का ऑप्शन में टिक करना है। आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस कौन सा मोबाइल में कनेक्टेड है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों कितना पैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डाले वो दिखाई देगा। आपका आधार का
फाइव डिजिट आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जस्ट आपको स्कैन का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। दोस्तों आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, आपका विड्रॉल हो चुका है, आपके कितना पैसे निकाल चुके आप यहाँ पे देख सकते दोस्तों, और कितना बैलेंस अवेलेबल है दोस्तों अभी आप यहाँ पे नीचे में देख सकते। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आपको मिनी स्टेटमेंट निकालना है तो गेट मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन दिया गया है, जस्ट आपको गेट मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, अगर आपको स्टेटमेंट निकालना है तो जस्ट आपको स्टेटमेंट का ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है, जस्ट आपको कंटिन्यू का ऑप्शन में फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, अगर आपको मिनी स्टेटमेंट निकालना है दोस्तों तो आपको मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन में रहने देना है, उसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करके उसके बाद स्कैन का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अदरवाइज अगर आपको बैलेंस भी इंक्वायरी करना है, मिनी स्टेटमेंट नहीं निकालना है तो आपको बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जस्ट आपको बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन में क्लिक करके आप स्कैन का ऑप्शन में फिर से क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, उसके बाद दोस्तों फिंगर में लाइट जलेगी, जस्ट आपको फिर से फिंगर को प्रेस कर देना है। जैसे फिंगर को प्रेस करते हैं दोस्तों, फिर से आपको वेट करना है। जैसे वेट करते हैं, वेट करने के बाद दोस्तों आपको स्कैन का ऑप्शन में दिया गया है, जैसे आपको थोड़ा सा होल्ड करना है। जैसे होल्ड का ऑप्शन में कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, आपका कितना अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल है दोस्तों वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। कुछ इस प्रकार से आप भी अपना अकाउंट से पैसे भी चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं, सारा कुछ प्रोसेस आप कंप्लीट करा सकते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन है दोस्तों नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, सर ये वाला फला प्रॉब्लम है इसके लिए अलग से वीडियो चाहिए, वो भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पे देख सकते दोस्तों सारा कुछ डिटेल्स में आप यहाँ पे देख सकते कितना अवेलेबल बैलेंस है, कुछ इस तरीके से आपको भी यूज़ करना है दोस्तों। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कॉमेंट भी आप पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको नए नए अपडेट इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने